हेलो गाइस, मेरा नाम है इरदो शोमी, चैनल टेक ज्ञान पर आप सबका स्वागत है। तो आज के वीडियो में अगर हम बात करने वाले बहुत से इंटरेस्टिंग टेक अपडेट्स के बारे में। हालांकि टेक अपडेट्स में आपको बताना शुरू करो उससे पहले जरूरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन दबा कर ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन पहुंचा रहा वीडियो को देख पाओ। साथ ही में अगर आपको मेरी मेहनत और ये अपडेट्स पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो रिकमेंड हो और अगर उनको पसंद आए तो क्या पता वो भी हमारे फैमिली का हिस्सा बन पाए। चलिए अब देखते हैं कि आज क्या टेक अपडेट्स निकल के आई है। सो अब हम जो पहले टेक के बारे में बात करने वाले हैं वो है रेडमी नोट 10 लाइट के बारे में, जिसका एक फर्स्ट लुक जो है वो निकल के सामने आया है प्राइस के साथ, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अब ये जो स्मार्टफोन है वो कहीं ना कहीं आपको याद दिलाता होगा रेडमी नोट 10 प्रो की, रीब्रांडेड वर्जन हम कह सकते हैं इसका। साथ ही में उसकी जो प्राइस है वो होने वाली है 17,900, बट कुछ ऑफर आपको मिलने वाली है जिसके अंदर आपको ये स्मार्टफोन जो है पड़ने वाला है 13,749 रुपीज़ के अंदर। अब देखते हैं कि इसका जो सेल है वो कब से शुरू होता है। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है रियलमी टेक लाइफ प्रोडक्ट्स के बारे में है। जो रोबो वैक्यूम क्लीनर है मॉप वाला वो, साथ ही में जो हैंडल वैक्यूम क्लीनर है और साथ ही में रियलमी का जो है एयर प्योरीफायर, ये तीनों ही प्रोडक्ट जो है वो आज इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं, जिसके पोस्टर्स और प्राइस जो है वन बाई वन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब इनका जो सेल, इनकी जो प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूँ। एयर प्योरीफायर की प्राइस होने वाली है 6,999 ऑफर प्राइस में, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। साथ ही मैं रोबो वैक्यूम की जो प्राइस होने वाली है वो है 19,999 और साथ ही मैं जो हैंडल वैक्यूम क्लीनर की बात करें उसकी प्राइस होने वाली 7,500 रुपीज़ होने वाली है और इसकी जो सेल डेट है वो भी पोस्टर्स के ऊपर लिखी हुई है। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है वीवो के वायरलेस 50 वॉट चार्जर के बारे में है, जिसका फोटो मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा हूँ, जो आज इंडिया में लॉन्च किया गया हुआ है, जिसकी प्राइस रखी गई है इंडिया के लिए 4,499 रुपीज़। अब देखते हैं कि इसका जो फर्स्ट सेल है वो कब से शुरू हो रहा है। हालांकि आगे हम बात करने ही वाले हैं वीवो X70 सीरीज की, तो स्टे ट्यून विद टेक ज्ञान। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है वीवो के X70 प्रो प्लस स्मार्टफोन के बारे में है। इसका जो लॉन्च है वो आज इंडिया में हो चुका है, जिसकी स्पेसिफिकेशन फोटोज जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इस स्मार्टफोन के अंदर जो है हमें 6.78 इंच का 2K 120Hz वाला E5 एमोलेड LTPO डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 888 प्लस के ऊपर ये रन करता है। साथ ही में क्वाड कैमरा सेटअप है वो है 50+48+12+8 का। वीवो V1 चिप हमें देखने को मिलने वाला है, 32 MP का सेल्फी कैमरा, 4500mAh की बैटरी और साथ ही में इसके अंदर हमें डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी जो है देखने को मिलने वाला है। IP68 की रेटिंग, ड्यूअल स्पीकर, हाई रेज ऑडियो। साथ ही में इसकी अगर हम जो है वो प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो होने वाली है 79,990 रुपीज़, 12 GB रैम प्लस 256 GB स्टोरेज। और इसका जो प्री बुकिंग है वो आज से ही शुरू हो चुका है, बट इसका जो सेल है वो 12 अक्टूबर 2021 से, यानी कि 12 अक्टूबर से जो है वो शुरू होने वाला है। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है वीवो के स्मार्टफोन के बारे में। हालांकि तीन स्मार्टफोन थे वीवो X70 सीरीज के अंदर, दो स्मार्टफोन लॉन्च हुए। जो दूसरा स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है वो है वीवो X70 प्रो 5G स्मार्टफोन, जिसके स्पेसिफिकेशन फोटोज जो है वो अगेन मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसके अंदर हमें डायमेंसिटी 1200 SoC देखने को मिल जाता है, साथ ही में 120Hz वाला कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। क्वाड कैमरा सेटअप है अगेन इसके अंदर वो है 50+12+12+8 का। 32 MP का सेल्फी कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 44W का फास्ट चार्जिंग, 4,450mAh की बैटरी। साथ ही में IR ब्लास्टर हमें देखने को मिल जाता है। तीन वेरिएंट कंपनी ने लॉन्च किए हैं इसके अंदर, जिसकी प्राइस जो है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 8GB रैम प्लस 128GB की प्राइस 46,990, 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज की प्राइस 49,990 और 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज की प्राइस रखी गई है 52,990 रखी गई है। अब ये जो स्मार्टफोन है, हालांकि स्मार्टफोन सारे ही ज़बरदस्त है, इसकी भी प्री बुकिंग जो है वो आज से शुरू होने वाली है और इसका जो फर्स्ट सेल है वो आपको 7 अक्टूबर से जो है लाइव होने वाला है। अगर आप इसे प्री बुक नहीं भी करना चाहते हो तो आप इसे 7 अक्टूबर से जो है इसे डायरेक्टली भी जो आपके नज़दीकी स्टोर्स में या फिर ऑनलाइन भी जो है आप इसे परचेस कर सकते हो। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है पोको के स्मार्टफोन के बारे में, जो आज इंडिया में लॉन्च होने वाला था। C31 स्मार्टफोन जो लॉन्च हो चुका है, जिसके स्पेसिफिकेशन फोटोज जो है अगेन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो ये स्मार्टफोन के अंदर जो है हमें हीलियो G35 से देखने को मिलने वाला है। 6.53 इंच का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, ट्रिपल कैमरा का सेटअप जो है 13+2+2 का, 5 MP का सेल्फी कैमरा, 5,000mAh की बैटरी, 10W का जबरदस्त फास्ट चार्जिंग, 3.5mm जैक, साथ में दो वेरिएंट कंपनी ने लॉन्च किए हैं। 4GB रैम प्लस 64GB की प्राइस वैसे तो रखी गई है 9,499, बट ऑफर प्राइस में जो है लॉन्च प्राइस आपको मिलने वाली है 8,999 और 3GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज का भी एक लोअर वेरिएंट लॉन्च किया है, जिसकी प्राइस होती है 8,499, बट ऑफर प्राइस के अंदर आपको ये 7,999 में जो है देखने को मिलने वाला है। तो ये काइंड ऑफ एक बजट स्मार्टफोन जो है पोको ने लॉन्च किया, अगर आपको ये पसंद आए
आपकी चॉइस है, आप इसे चाहो तो परचेस कर सकते हो। तो अब जिस टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है मोटोरोला के टैबलेट के बारे में। सो मोटोरोला का जो टैब था G20 आज वो इंडिया में लॉन्च हो चुका है, जिसके स्पेसिफिकेशन फोटोज अगेन मैं आपको वो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इस टैबलेट के अंदर हमें देखने को मिलता है 8 इंच का HD+IPS LCD डिस्प्ले, हीलियो P22T हमें इसके अंदर SoC देखने को मिलने वाला है, 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 5100mAh की बैटरी, 10 वॉट का फास्ट चार्जिंग, साथ ही में मोनो स्पीकर हमें देखने को मिलने वाला है, बॉटम में फेस अनलॉक का हमें फीचर देखने को मिलने वाला है, सिम कार्ड स्लॉट नहीं दिया गया, ये सिर्फ वाईफाई एनेबल ये जो है टैबलेट होने वाला है। सिंगल वेरिएंट कंपनी ने लॉन्च किया है वो है 3GB RAM + 32GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस रखी गई है 10,999, यानी कि ये काइंड ऑफ अगर बच्चों को पढ़ना है तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि एक ये सीधा साधा सिंपल सा जो सस्ता टिकाऊ एक टैबलेट जो है मोटोरोला की तरफ से लॉन्च हुआ है। तो अगर आप इसे चाहो तो आप इसे परचेस कर सकते हो। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है आईकू के स्मार्टफोन के बारे में। तो टीना सर्टिफिकेशन के ऊपर जो आईकू का एक नया स्मार्टफोन दिखा गया है, जिसके फोटोज स्पेसिफिकेशन जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इस स्मार्टफोन के अंदर जो है हमें कहा जा रहा है कि ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल रहा है, एमोलेड डिस्प्ले, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और जो रियर सेटअप था वो है 48+13+13 का, साथ ही में 120 वॉट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलने वाला है, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, साथ ही में अगर रैम वेरिएंट की बात करें तो 8 और 12 GB तक की हमें रैम देखने को मिलने वाली है। और मैंने आपको बताया था कि शायद जो है हमें आईकू नियो 8 या फिर नियो 6 और नियो 7 सीरीज़ जो हमें शायद देखने को मिल सकती है, तो मे बी ये वही स्मार्टफोन हो जो हमें अक्टूबर महीने के अंदर चाइना में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है रियलमी के स्मार्टफोन के बारे में, बात करूँ रियलमी Q3S स्मार्टफोन के बारे में। अब ये 3G सर्टिफिकेशन के ऊपर भी देखा गया, साथ ही में ये टीना सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर भी देखा गया, जिसका कुछ स्पेसिफिकेशन सामने आया जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो इसके अंदर जो है हमें 6.59 का फुल HD+LCD डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, 144Hz का रिफ्रेश रेट, स्नैपड्रैगन 778G के ऊपर रन करने वाला है, ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप होगा, 48+2+2 का, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4880mAh की बैटरी, साथ ही में साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ हमें ये स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है, और ये अक्टूबर महीने के ही अंदर जो है चाइना में लॉन्च होने वाला है। देखते हैं कि चाइना में ये कौन सी प्राइस पर हमें देखने को मिलता है। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है दो अलग अलग ब्रांड के बारे में, बट ये अपडेट हमें मिल पाई है वायलेट्स को डिजिटल, और उन्होंने एक ही पोस्ट के अंदर दोनों ब्रांड के बारे में बात की, इसलिए हम इसी अपडेट के अंदर दोनों ब्रांड के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं रियलमी के बारे में, हालांकि वो पोस्ट भी जो है वो मैं आपको स्क्रीन में दिखता हूं। तो रियलमी की तरफ से अक्टूबर के महीने में जो है हमें एक स्मार्टफोन देखने को मिल सकती है, बट उसका जो डायल है वो राउंड होने हमें राउंड देखने को मिलने वाला है चाइना के अंदर। साथ ही में इसके अंदर हमें जो वॉइस कॉल है सपोर्ट उसका भी देखने को सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, ब्लूटूथ कॉल का, साथ ही में म्यूजिक का सपोर्ट, स्पोर्ट्स एंड हेल्थ के जो फीचर्स होते हैं नॉर्मली वो, साथ ही में 5 ETM तक वाटर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही में वीवो की ही तरफ से भी जो है एक राउंड डायल वाली जो है स्मार्ट वॉच देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर हमें ई सिम कॉल फंक्शन जो है वो देखने को मिलने वाला है, साथ ही में कुछ ऐसी एप्स जो होगी उससे भी जो है सपोर्ट करते हुए देखने को मिल सकती है। तो अब देखते हैं कि रियलमी और वीवो की तरफ से ऐसी कौन सी वॉच है जो हमें अक्टूबर के महीने में चाइना में लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाली है। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाला है वो है आईपैड एयर 2022 वाले मॉडल के बारे में। सो अब ऐसी एक न्यूज़ निकल के आई है कि कहा जा रहा है कि अब जो iPad Air 2022 के अंदर लॉन्च होने वाला था OLED डिस्प्ले के साथ, बट अब वो कैंसिल कर दिया है कंपनी ने, उनके कुछ प्लान कुछ अलग अब चेंज कर दिए उन्होंने। कहा जा रहा है कि 2024 के बाद जो है अब वो OLED वाला जो है iPad Air लॉन्च करेगी। अब कहाँ तक ये सच है वो तो पता नहीं, अब जब वो 2022 के अंदर अब नया Air का मॉडल लॉन्च होगा तब हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर हमें कौन सा डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलने वाला है, OLED डिस्प्ले या फिर कोई और डिस्प्ले के साथ हमें ये, या फिर रेटिना डिस्प्ले के साथ हमें ये देखने को मिलता है। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है सैमसंग के स्मार्टफोन के बारे में। मैं बात करूँ सैमसंग S20 फैन एडिशन के बारे में, उसको जो है ये स्मार्टफोन जो है काफ़ी अच्छी प्राइस में आपको देखने को मिलने वाला है Amazon के ग्रेट इंडियन सेल के अंदर, फेस्टिवल सेल के अंदर, जिसकी प्राइस जो है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसकी जो प्राइस है वो सेल के अंदर जो Amazon के होने वाली है 36,990, और अगर जिसके पास HDFC के कस्टमर है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड है, तो उनको और भी ज़्यादा 3,000 के आसपास का और डिस्काउंट मिलने वाला है, यानी कि हो जाएगी इसकी प्राइस 33,990। यानी ये मान के चलिए कि काइंड ऑफ इसकी जो रीसेल वैल्यू है उसी के आसपास के में जो है आपको एक नया ब्रांड न्यू फ़ोन जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छी ऑफर है मेरी माने तो, अगर आपको 30,000 के आसपास कोई अच्छा फ़ोन लेना हो तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है Xiaomi के स्मार्टफोन के बारे में। तो अगेन जो Amazon का सेल स्टार्ट होने वाला है उसके अंदर और एक बेहतरीन डील आपको देखने को मिलने वाली है, वो है Xiaomi के स्मार्टफोन के बारे में, जिसका पोस्टर मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा हूँ। ये जो स्मार्टफोन है Xiaomi का Mi 11X स्मार्टफोन है, जो आपको एक फ्लैगशिप लेवल SoC के साथ रन करता हुआ देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन 870, और इसकी जो सेल के अंदर प्राइस होने वाली वो ज़बरदस्त प्राइस में आपको
आपको देखने को मिल रहा है 20,999 रुपीस और साथ ही में भी हो सकता है इसके अंदर भी शायद क्या पता आपको HDFC या ऐसी कोई बैंक की स्कीम भी आपको शायद देखने को मिल सकती है। तो अगर 20,000 के आसपास का अगर आपका कोई प्लान है स्मार्टफोन लेने का तो मेरी मानिए ये जो डील आपको मिलने वाली है Mi 11X की वो ज़बरदस्त डील आपको देखने को मिलने वाली है। सो आप इस स्मार्टफोन को जो है वो कंसिडर कर सकते हो। अब जो मैं आपको आज की आखिरी अपडेट बताने वाला हूँ वो है आईफोन के बारे में है। तो जैसे कि आपको पता है कि आईफोन 14 सीरीज़ जो आने वाली है उसके अंदर हमें मिनी वेरिएंट जो है वो नहीं देखने को मिलने वाला है, वो रिप्लेस हो जाएगा। बट किससे रिप्लेस होने वाला है, तो अब ऐसे न्यूज़ निकल के आ रही है कि 6.7 इंच का जो हमें एक आईफोन 14 मैक्स देखने को मिलने वाला है। जैसे प्रो वेरिएंट के अंदर होता है कि आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स, तो वैसे ही अब जो है आईफोन 14 जो होगा वो तो होगा ही, साथ ही में अब 14 मैक्स भी हमें देखने को मिलने वाला है, यानी कि मिनी वेरिएंट जो है वो निकल जाने वाला है। सो अब देखते हैं कि आगे इसके बारे में हमें क्या न्यूज़ मिल पाती है। हालांकि ये एक अच्छी चॉइस है कि जो है लोग अब ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि आपको 14 और 14 मैक्स के अंदर सेम फीचर्स मिलेंगे, सिर्फ बैटरी जो है स्क्रीन साइज जो है थोड़ी बड़ी हो जाएगी, जैसा कि आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स के अंदर में देखने को मिलता है कि फीचर्स सारे सेम हैं, सिर्फ बैटरी और डिस्प्ले का फ़र्क आपको देखने को मिल जाता है। तो वैसा ही अब जो है आपको दो वेरिएंट देखने को मिलने वाला है, 14 मैक्स और 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स। तो आप देखते हैं कि आगे इसके बारे में हमें क्या अपडेट मिल पाते हैं। वैसे नॉच भी निकल जाने वाली है, सो देखते हैं कि क्या प्राइस भी रहता है और क्या नए चेंजेस के साथ हमें आईफोन की नई सीरीज जो है नेक्स्ट ईयर देखने को मिलती है। सो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही मुझसे पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम ट्विटर या फेसबुक पे जाके टैग एंड सर्च करके वहाँ पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं जितना चाहता हूँ तो आपको गाइड करने की जरूर कोशिश करूँगा। मेरे लिए कुछ सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अगर अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन से ले कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन पहुँचा रहा वीडियो को एंजॉय कर पाओ। तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, बिना काम के बाहर मत निकलिए, मास्क जरूर पहने और 20 टाइम हैंड वॉश करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।